मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान एक बार फिर चर्चा में है। विजयवर्गीय ने पोलिंग बूथ पर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलने पर बीजेपी के संबंधित बूथ अध्यक्ष को 51,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी को आशीर्वाद दीजिए और कांग्रेस को इस बार वार्ड से एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए मैंने इनाम की घोषणा की है। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर के वार्ड नंबर 7 में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित किया। यहां विजयवर्गीय ने कहा कि हम उस बूथ अध्यक्ष को 51,000 रुपए का इनाम देंगे जहां कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा। मैंने घोषणा की है जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा मैं। 51,000, एक भी वोट नहीं मिलेगा तो आप सब प्रयास करिए कि यहाँ से कांग्रेस को वोट नहीं मिले। उधर दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर शिवराज सरकार पर वार किया है। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह जी को 18 साल बाद बहनें याद आई हैं, 18 साल बाद कर्मचारी याद आए क्योंकि 6-8 हफ्ते में चुनाव हैं। आज शिवराज सिंह जी को 18 साल बाद बहनें याद आई, 18 साल बाद कर्मचारी याद आए हैं क्योंकि 6-7-8 हफ्ते में चुनाव है। शिवराज जी, ये कलाकारी की राजनीति बहुत हो गई। आपको ये दुखी किसान जिसको खाद और बीज के लिए भटकना पड़ता है, जिसको न्याय के लिए भटकना पड़ता है, आप इसकी आवाज सुन नहीं सकते, आपके कान नहीं चलते। आपको ये बेरोजगार नौजवान नहीं दिखते, आपकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते। शिवराज जी, आंख नहीं चलती पर आपका मुंह बहुत चलता है। मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। बता दें कि बीजेपी ने आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 सीट से उम्मीदवार बनाया है। विजयवर्गीय पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और इंदौर समेत अन्य सीटों से 6 बार विधायक चुने गए हैं। इस बार पार्टी ने जब से एमएलए का टिकट दिया है तब से उनके बयान अक्सर सुर्खियों में आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने खुद को टिकट मिलने पर हैरानी जताई थी और खुद को बड़ा नेता बताया था।